देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी है। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। मटन बनाने का मौज ले रहे हैं क्या? वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहा है क्या? 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस हैं तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। मजाक नहीं कर रहे देख लो, मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। अभी 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती है, फिर कहते हैं कांग्रेस क्रिकेट टीम में मुसलमानों को घुसाना चाहती है। मतलब क्रिकेट टीम की इतनी चिंता है तो अमित शाह के बेटे को वहां बड़े टैलेंट के बल पर बीसीसीआई का हेड बना दिया ना। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। बताओ भाई जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? एक सजाया आपका। थोड़ा सोच समझ के बोल लो, देश के प्रधानमंत्री ऐसी उठपटांग चीजें बोलेंगे तो सोचो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक रेपुटेशन होती है उसे बिल्कुल मिट्टी में गिराए जा रहे हो आप। तो दोस्तों ऑन स्क्रीन आप देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो परफेक्ट रिप्लाई फॉर जो आपकी सरकार बैठी है उसके ऊपर गईस। तो आपको क्या लगता है, ये सही है या गलत, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को अगर आप पसंद करें तो ज़रूर लाइक करके जाइए। थैंक यू।